पहली बार ऐसा देखने को मिला है बीजेपी वर्चस्व बीजेपी चुनाव लड़ा जा रहा है। वो इसलिए लड़ा जा रहा है जो बीजेपी का कैंडिडेट था पहले से, जो चुनाव जीता था, बीजेपी को सपोर्ट करता था, उसको टिकट नहीं मिली, जो नए प्रत्याशी को मिल गई। इस वर्ष जो मतदान हुआ है, वोटर इतना साइलेंट है, उन्होंने इस बात का आभास ही नहीं होने दिया है कि हमारा मत कहाँ जाएगा। जो केंद्र योगी प्रदेश की सरकार कह रही थी हम ट्रिपल इंजन सरकार बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं उस पर हमला हुआ है। वो हमला इस तरह का है कि उनकी जो ट्रिपल इंजन की सरकार थी वो नहीं बन पाएगी इस बार। नमस्कार, मैं हूँ आर्यन्द्र सिंह। आज बात करेंगे यूपी तक पर 2023 निकाय चुनाव की, क्योंकि 2023 निकाय चुनाव आज 11 मई की शाम को 6 बजे संपन्न हो गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्ट्रांग रूम में मतपेटिकाओं को भेज दिया गया है, जहां सीसीटीवी की निगरानी और पैरामेडिकल फोर्स की निगरानी की जा रही है। अब बात करते हैं जो दिन भर हमारे साथियों ने कवरेज की, कवरेज में क्या निकल कर आया, इसकी पड़ताल करेंगे, इसकी जानने की कोशिश करेंगे। दिन भर की कवरेज में कौन जीतने जा रहा है, किस तरह का ये चुनाव संपन्न हुआ, क्या नतीजे आएंगे सामने। सबसे पहले बात करते हैं, हमारे साथ मनोज हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे इस बार के नतीजे किस तरह के आएंगे और क्या जो परसेंटेज रही किस तरह की रही और सुबह से क्या माहौल रहा चुनाव के लिए। देखो, जनपद में 10 सीटें हैं, 3 नगरपालिका हैं, 7 नगर पंचायतें हैं। नगर पंचायत में पहली बार ऐसा हुआ है कि सिंबल से चुनाव हो रहा है। सिंबल से चुनाव होते ही सभी पार्टियों में अपनी अपनी प्रत्याशी उतारने के लिए होड़ लगी हुई है। पहले जो निवर्तमान प्रत्याशी थे वो भी बीजेपी के दावेदार थे, क्योंकि सत्ता में बीजेपी है। और पहली बार ऐसा देखने को मिला है बीजेपी वर्चस्व बीजेपी चुनाव लड़ा जा रहा है। वो इसलिए लड़ा जा रहा है, जो बीजेपी का कैंडिडेट था पहले से, जो चुनाव जीता था, बीजेपी को सपोर्ट करता था, उसको टिकट नहीं मिली, जो नए प्रत्याशी को मिल गई, प्रत्याशी वो निर्दलीय लड़ा, वो बीजेपी का लड़ा, वोट तो बीजेपी का भी कटा। और रही बात चुनाव की, जीतने की, हारने की, आज वोटिंग हो चुकी है, 13 तारीख को वोटिंग मतगणना होगी, उसमें लोगों की किस्मत का ताला खुलेगा। आज 11 तारीख है, 11 तारीख को सभी प्रत्याशियों की किस्मत ताले में बंद हो चुकी है। ये चुनाव कहते हैं ये चुनाव सत्तारूढ़ दल का होता है, तो किस तरह का आज नजरिया रहा लोगों का और क्या माहौल। हाँ, ये बात सही है कि हम लोग प्रेस वाले भी ये जानते हैं यह चुनाव सत्तारूढ़ पार्टियों का होता है, पर हमको भी ये देखने को मिला जहाँ जहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, जहाँ जहाँ मुस्लिम बाहुल्य बूथ थे, वहाँ मुस्लिम लोग वोटरों का यह कहना था कि हम एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे से लाइन में लगे हुए हैं और हमको बहुत स्लो वोटिंग कराई जा रही है, ये वोटरों का कहना था। तो हम लोगों ने उस पर बात की, अधिकारियों से भी बात की कि भाई स्लो वोटिंग क्यों हो रही है। कुछ नहीं, वो स्टाफ कम है इसलिए स्लो वोटिंग हो रही है। और भी हमारे साथ मौजूद हैं विक्रम भाई हैं, विक्रम पांडे हैं, जो पत्रकार हैं, पत्रकार जगत की खबरें रखते हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे जो सुबह से जो मतदान शुरू हुआ था तब से अब तक किस तरह का नज़ारा रहा और जो छुटपुट घटनाएं हुई वो कैसी रही और प्रशासन का क्या रहा उनका। हमारे जनपद में जो सुबह से मतदान चालू हुआ वो धीमी गति से चालू हुआ था, उसके बाद जैसे जैसे दिन बढ़ता गया उसी प्रकार से मतदान भी बढ़ता चला गया। जनपद में छुटमुट जो घटनाएं हुई उनको प्रशासन ने समय पर पहुंचकर उनको रोका और हमारे जनपद में त्रिशंकु मुकाबला रहेगा जो भी सीटों पर मतदान हुआ है। कासगंज जनपद में 3 नगरपालिका हैं, 7 नगर पंचायत हैं, ऐसे में नगरपालिका की बात करें, कासगंज, सोरों, गंडवारा, इसमें किस किस के मुकाबला रहा, कौन जीतने जा रहा है, क्या कहेंगे इसके लिए। इस वर्ष जो मतदान हुआ है वोटर इतना साइलेंट है, उन्होंने इस बात का आभास ही नहीं होने दिया है कि हमारा मत कहाँ जाएगा। ये जो आज मतदान हुआ है वो सारा मत पेटियों में बंद है, उन सब का भाग का फैसला 13 तारीख के लिए हो जाएगा। हमारे साथ और पत्रकार मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार फहीम अख्तर जी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या चुनाव रहा निकाय चुनाव को लेकर, क्या आपने कवरेज करी दिनभर की। देखिए, निकाय चुनाव जो रहा आज यहाँ देखने में ये मिला है कि निकाय चुनाव में पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था बहुत सख्त रही थी, जिसमें जो वोटर थे, जो सुबह के मतलब कहना चाहिए कि सुबह में वोटर बहुत धीमी गति से निकला और शाम को जो वोटर निकला है, तो कुछ वोटरों का ये कहना था कि जो हमको हमारे आधार कार्ड देख देख कर हमको वापस किया जा रहा है, हमारे वोट नहीं पड़ने दिए जा रहे हैं, हमसे दूसरी आईडी मांगी जा रही है। अब जो आधार कार्ड है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो कमियां हैं, तो प्रशासन ने उसको बिल्कुल नकार दिया।
अगर उस कमियों को देखते हुए दूसरे भाई का या किसी के पिता का अगर आधार कार्ड था तो उनको वोट डलते तो ये प्रतिशत ज़्यादा ऊपर बढ़ता, लेकिन अभी लगता है लगभग 60% के आसपास ही रहेगा। अगर बात करें सहावर, सिड़पुरा, अमापुर और कासगंज में तमाम ऐसी खबरें आई थी कि फर्जी वोट डाले जा रहे हैं, क्या फर्जी वोट डालने में प्रशासन क्या नाकाम रहा? फर्जी वोट तो इसलिए पड़ा है, मतलब पढ़ने की बात चल रही थी, वोट तो फर्जी नहीं पढ़ पाया है। कुछ लोग वही आधार कार्ड को लेकर उसमें संज्ञान रहा कि फर्जी वोट है, लेकिन बाद में पुलिस प्रशासन ने उस वक्त मौके पर पहुंचकर उन लोगों को वहां से हटा दिया गया और बाद में उनकी आईडी जो चेक करी गई उससे पता चला कि वो आईडी ठीक थी, लेकिन प्रशासन की जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसको देखते हुए प्रशासन ने कहीं भी कोई झड़प नहीं होने दी। और भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? मनोज पारसर है। मनोज पारसर जी, जो चुनाव हुआ सुबह से आपने कवरेज करी, किस तरह का रिजल्ट आने जा रहा है, क्या नतीजे निकल कर? रिजल्ट तो अच्छा ही आने वाला है, आज चुनाव अच्छा हुआ है, शांति व्यवस्था में चुनाव हुआ है। हमारी कासगंज की 10 नगर पालिका पंचायतें हैं, इसमें 3 नगर पालिका हैं, 7 नगर पंचायतें हैं। आज अभी हम लोग सावर में हैं और सावर की अभी हम लोग लगभग 2 घंटे से यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं आपस में, बताया चला हमारे लिए कि कुछ लोग फर्जी तरीके से वोट डालने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पर प्रशासन को भी अवगत कराया गया था, प्रशासन तुरंत पहुँचा और स्थिति को सुधारा है। और भी हमारे साथ हैं अशोक शर्मा जी हैं। अशोक शर्मा जी, सो दिन भर से आज कवरेज कर रहे थे, किस तरह की नतीजे आएंगे और क्या कहेंगे जो चुनाव संपन्न हुआ है, छुटपुट घटनाएं भी सामने आई हैं, तो क्या कहेंगे, सत्तारूढ़ का दबाव रहा या फिर शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव हुआ है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ थी हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग जो सुबह से ही हम लोग कर रहे हैं, इस पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं भाजपा बनाम भाजपा चुनाव हुआ है, क्योंकि जो प्रत्याशी पहले से ऑलरेडी प्रत्याशी जो नगर पालिका का अध्यक्ष था भाजपा का था, वो जब उसको टिकट नहीं मिली तो एंटी हो गए, उसने लड़ा तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए नुकसानदायक साबित हुआ। दूसरी चीज, जो केंद्र और योगी प्रदेश की सरकार कह रही थी हम ट्रिपल इंजन सरकार बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं उस पर हमला हुआ है, वो हमला इस तरह का है कि उनकी जो ट्रिपल इंजन की सरकार थी वो नहीं बन पाएगी इस बार, क्योंकि उनके ही विरोधी उनकी कब्र खोदने में लगे हुए थे। तीसरी चीज, शांति व्यवस्था की है तो कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी इस पूरे। ये थे हमारे साथ पत्रकार साथी, इनका साफ तौर पर कहा है जो इस चुनाव में सत्तारूढ़ हावी रहा, अब देखना होगा कि इस बार कौन नगर पालिका चेयरमैन बनेगा और कौन नगर पंचायत अध्यक्ष बनेगा। यह 13 तारीख के नतीजे आने के बाद ही साफ हो सकेगा। आर्यन्द्र सिंह, यूपी तक, कासगंज।